नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कि मेष राशि के जातक जातिकाओं के लिए अक्टूबर माह 2023 कैसा रहने वाला है। मित्रों, इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, यदि आपने अभी तक हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली हर ज्ञानवर्धक ऑडियो वीडियो समय समय पर देखने के लिए मिलती रहे। जो भी अक्टूबर मास में मेष राशि के जातक जातिकाओं के साथ शुभ या अशुभ घटनाएं घटित होंगी, उन पर ही सीधा सीधा चर्चा करेंगे। तो मित्रों, अक्टूबर मास 2023 मेष राशि के जातक जातिकाओं के लिए तेरे टोटल घटनाएं लेकर आ रहा है, जिनमें से 8 घटनाएं शुभ घटित होंगी और 5 घटनाएं अशुभ घटित होंगी। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि अक्टूबर मास 2023 में मेष राशि पर 3 ग्रह मंडराते हुए नजर आएंगे, जो सबसे ज्यादा आपके स्वास्थ्य को लेकर परेशान करेंगे, आपके स्वास्थ्य में गिरावटें लाएंगे, चाहे वो पेट के रोग हो, जोड़ों के रोग हो, छाती के रोग हो, या मूत्राशय के किडनी लीवर से जुड़े हुए हों। ऐसे रोग आपको जरूर 100% सताएंगे, क्योंकि दूसरा एक बहुत बड़ा खेल और खेलेंगे, मेष राशि के जो संबंध हैं, चाहे वो पति पत्नी के हो या यारी रिश्तेदारी के हो या पारिवारिक रिश्ते हो या लव से जुड़े हुए रिश्ते हो, कहीं ना कहीं खटास पैदा करते हुए नजर आएंगे, उन संबंधों में जहर घोलने का काम करते हुए नजर आएंगे, यानी कि आपके संबंधों में मनमुटाव और दरार पैदा करने का काम करेंगे। लेकिन साथियों, इन दो समस्याओं को लेकर आप बहुत ज्यादा सावधान रहना। वो 3 ग्रह हैं, मंगल ग्रह, गुरु ग्रह और राहु ग्रह। ये 3 ऐसे ग्रह हैं जो अक्टूबर मास 2023 में सबसे बड़ी 2 समस्याएं मेष राशि वालों के जीवन में पैदा करेंगे। एक संबंधों में जहर घोलने का काम करेंगे, एक स्वास्थ्य को बिगाड़ देंगे, स्वास्थ्य में गड़बड़ पैदा करेंगे। इसलिए मेष राशि वाले इस बात का विशेष ध्यान रहे, जितना जल्दी से जल्दी हो सके अपने इन 3 ग्रह को शांत करा लें या इनका उपाय कर लें, इन्हें प्रसन्न कर लें, तो आप अपने स्वास्थ्य को खराब होने से बचा सकते हैं और अपने संबंधों को बिगड़ने से बचा सकते हैं। सबसे पहली ये 2 खास जानकारी और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको यही दी है, इन पर आप विशेष ध्यान देना। अब बात करते हैं कि ऐसी कौन सी वो 5 अशुभ घटनाएं हैं जो मेष राशि के जातक जातिकाओं के साथ अक्टूबर मास 2023 में घटित होती हुई नजर आएंगे। नंबर 1, बहुत ज्यादा भागदौड़ करनी पड़ेगी, तनावों का, मानसिक चिंताओं का, अपमान का सामना करना पड़ेगा, विषम परिस्थिति आपके सामने आ सकती है, सचेत रहना। नंबर 2, यदि मेष राशि के जातक जातिकाएं किसी पार्टनरी में कोई कार्य या व्यापार उद्योग धंधा कर रहे हैं या साझे के कार्य करने जा रहे हैं या कर रहे हैं या करते हुए आ रहे हैं, तो साझे के कार्य में आपका मनमुटाव होगा, जिसके साथ आप साझे में कार्य कर रहे हैं उस व्यक्ति से आपका लड़ाई झगड़े का माहौल बनेगा, संबंध खराब हो सकते हैं, एक दूसरे में दरार पैदा हो सकती है। नंबर 3, परिवार की कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको संभालनी पड़ सकती है, जिसके कारण आप बहुत दुखी या चिंतित रह सकते हैं और धन का खर्च भी आपका इसमें होगा। नंबर 4, ज्यादा भागदौड़ के कारण, ज्यादा तनाव, चिंतित मानसिक तनाव में आने के कारण, समय पर खाने पीने का ना ध्यान रखने के कारण, ना समय पर व्यायाम करने के कारण आपके स्वास्थ्य में अचानक गिरावटें आएंगे, जिससे आपको मूत्र विकार, लीवर, किडनी, जोड़ों के दर्द, सर दर्द, या सबसे बड़ी खास बात यह है कि बुखार और रक्त से जुड़ी हुई बीमारी आपको सताएगी। स्टाम्प पे लिख देना इसे, झूठ साबित कर दे तो जो सजा देनी हो दे देना, स्टाम्प पे लिख देना ये बिल्कुल सत्य है,
सटीक और राशिफल जो बता रहे हैं हम सत्य ही बताते हैं, किसी को गुमराह नहीं करते। नंबर 5, आपके अंदर चिड़चिड़ापन, बहुत कम बोलना, अकेले रहना, बहुत ज्यादा क्रोध आना, कड़वी वाणी होना, अहंकार अंदर पैदा होना, आलस्य पैदा होना, लापरवाही पैदा होना, ऐसी समस्याएं भी आपके सामने अक्टूबर मास 2023 में देखने को मिलेंगी, जिसके कारण आप अपने संबंध खराब कर सकते हैं या बने बनाए कार्य बिगाड़ सकते हैं या आप कहीं ना कहीं अपमानित हो सकते हैं। चाहे वो रिश्ते पति पत्नी के हो, बाप बेटे के हो, बाप बेटी के हो, यार के हो, रिश्तेदारी के हो, कोई भी संबंध ऐसा हो सकता है जहां आपके रिश्तों में खटास आने के संकेत बन रहे हैं। तो ये 5 अशुभ घटनाएं अक्टूबर मास 2023 में मेष राशि के जातक जातिकाओं के साथ घटित होती हुई नजर आएंगे। मित्रों अब बात कर लेते हैं ऐसी वो कौन सी 8 शुभ घटनाएं हैं जो मेष राशि के जातक जातिकाओं के साथ अक्टूबर मास 2023 में घटित होती हुई नजर आएंगी। नंबर 1, यदि मेष राशि के जातक जातिकाएं कृषि भूमि, काले पशुओं से जुड़े हैं, कंप्यूटर व्यवसाय करते हैं, इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, लोहा चमड़े का व्यापार करते हैं, गीत संगीत गायन वादन से जुड़े हैं, खेल कूद व्यायाम से जुड़े हैं, न्यायाधीश हैं, वकील हैं, लेखन प्रकाशन से जुड़े हैं, या फिर आयात निर्यात के साधनों से जुड़े हैं, या फिर चाहे आप किराए ब्याज के कार्यों से जुड़े हैं, तो वहां इन क्षेत्रों में आपको धन लाभ होता रहेगा। अक्टूबर मास का जो अंतिम सप्ताह होगा ये आपके लिए कुछ अच्छा रहेगा। इसमें आपकी बिगड़ी हुई आर्थिक स्थिति तेजी से सुधरेगी और आपके कई बिगड़े हुए कार्य भी सफल हो सकते हैं। नंबर 4, अचानक आपका कहीं रुका हुआ पैसा आपको मिलेगा या फिर किसी ना किसी रास्ते से आपको धन लाभ जरूर होगा। नंबर 5, यदि आपके माता पिता से संबंध खराब थे, किसी कारण से मनमुटाव चल रहा था, तो उनमें सुधार होगा और आपके माता पिता से आपको कहीं ना कहीं सहयोग भी जरूर मिलेगा। नंबर 6, यदि मेष राशि के जातक जातिकाओं की संतान है तो उस संतान का भाग्य चमकेगा, किस्मत का सितारा बुलंद होगा और कुछ ना कुछ आपकी संतान की किस्मत में बदलाव होगा, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, विदेश जाने का क्षेत्र हो, व्यापार उद्योग धंधे नौकरी बिजनेस का क्षेत्र हो, उसमें उसको कहीं ना कहीं सफलता मिलती हुई नजर आएगी। नंबर 7, यदि मेष राशि के जातक जातिकाए विद्यार्थी हैं तो उनको थोड़े से परिश्रम करने से ही शिक्षा में अच्छे रिजल्ट, अच्छे अंक प्राप्त होंगे और आशानुसार प्राप्त होंगे। नंबर 8, यदि मेष राशि के जातक जातिकाए राजनीति से जुड़े हैं तो राजनीति में सफलता प्राप्त होगी, विरोधी पक्ष विराजित होगा। तो मित्रों ये 8 शुभ घटनाएं अक्टूबर मास 2023 में मेष राशि के जातक जातिकाओं के साथ घटित होती हुई नजर आएंगी। लेकिन अक्टूबर मास की कुछ तारीखें कष्टभरी रहेंगी, उनमें थोड़ा सचेत रहना, सावधान रहना। वो तारीखें हैं 4, 9, 18, 26 और 31। उपाय करने हैं, मंगल ग्रह शांति जाप कराएं, गुरु ग्रह शांति जाप कराएं और राहु ग्रह शांति जाप कराएं, या खुद इन तीनों ग्रह के शांति मंत्र का जाप खुद करें। कुछ भी करें, कैसे भी करें, तीनों ग्रहों को शांत करने के लिए आप कुछ ना कुछ शांति जाप कराएं या खुद उपाय करें, लेकिन करें, तभी आपको आने वाले संकटों से मुक्ति मिलेगी, जीवन में निखार आएगा और आप बड़ी आसानी से जीवन में सफलताओं को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ेंगे। और नियमित सूर्य को जल जरूर देते रहें और मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर मस्तक टेके वहां हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी के दाएं पैर से अनामिक उंगली से सिंदूर लेकर अपने मस्तक पर तिलक करें और एक पान सिपाही साथ में ले जाएं। जब भी आप मंगलवार को हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी के दर्शन करके बाहर आते हैं तो मेन गेट पर मंदिर के आकर आप 7 बार उस पान सिपाही को अपने परगल घुमाकर पीछे फेंक देना, ये आपको जरूर करना है। कोई सा भी उपाय कर लीजिए या नियमित हनुमान चालीसा का भी पाठ आप कर सकते हैं।
इनमें से कोई सा भी उपाय करके आप अपने जीवन को सार्थक सफल बना सकते हैं और आने वाले संकटों से बच सकते हैं। मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, ये था मेष राशि के जातक जातिकाओं का अक्टूबर मास 2023 का बिल्कुल सत्य और सटीक राशिफल। साथियों, यदि आपको हमारा बताया हुआ राशिफल सत्य लगे, अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मित्रों, यदि आप में से कोई भी भाई बहन अपनी जन्म कुंडली हस्तक रेखा मस्तक रेखा दिखवाना चाहता है या जन्म कुंडली बनवाना चाहता है या जन्म कुंडली के अशुभ ग्रह शांत कराना चाहता है, चाहे पितृ दोष हो, सर्प दोष हो, वस्तु दोष हो, मांगलिक दोष हो, सभी दोषों की शांति के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आपके जीवन में कोई भी समस्या परेशानी चल रही है उसके समाधान के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आपके जीवन में कोई भी ग्रह खराब चल रहा है, अशुभ चल रहा है, पीड़ित है, क्रोधित है, बुरा प्रभाव चल रहा है तो उनको शांत कराने के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, यदि आप हमसे कोई भी जानकारी लेते हैं तो हमारी इंडिया में 2100 रुपए फीस है और विदेशों में 5100 रुपए फीस है, जो पहले जमा करनी पड़ती है, उसके आधे घंटे बाद ही जानकारियां देते हैं। और यदि आप किसी समस्या का समाधान करवाते हैं तो उसका चार्ज अलग से होता है, वो हम समस्या देखकर ही बताते हैं कि उसका खर्चा क्या आता है। मित्रों, ये जानकारी हम आपको अपनी फीस के बारे में इसलिए पहले दे रहे हैं क्योंकि कुछ हमारे प्यारे मित्र भाई बहन ये जब कॉल हमारे पास करते हैं तो वो कहते हैं, गुरु जी आपने वीडियो में तो फीस अपनी बताई नहीं, आप बाद में फीस बताते हो, तो इसलिए हम ये पहले ही डिक्लेयर कर देते हैं कि हमारी फीस क्या है जानकारी की और समाधान करवाने की। तो साथियों, अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और आप सभी को करते हैं नमस्कार। फिर मिलेंगे नई ऑडियो वीडियो के साथ, जब तक के लिए पंडित राजगुरु शर्मा का आप सभी को जय हिंद, जय भारत।